मेरी बहन के एक लड़की है, उसका नाम रमाश्री है। हम घर में उसे नैना कहकर पुकारते हैं। मैं उसे देखता हूँ, वो घर आती है, अभी बोलना सीख रही है। घर आती है, बोलती है। उसे जब भूख लगती है, उसे जब किसी चीज़ की इच्छा होती है, वो पान की बड़ी शौकीन है। उसकी नानी उसे पान खिलाती है, पान चटवा देती है कभी कभी मुंह पर, पान की बड़ी शौकीन है। तो जब भी कभी हाथ में देखती है पान है, जब भी कभी हाथ में देखती है कोई कागज़ है, उसे लगता है पान है। वो कहती है, नैना पान, पूरे शब्द नहीं आते, वो कहती है नैना पान। उसकी मम्मी जब उसे सुलाती है तो उसके लिए वो गीत गाती है, सो जा नैना सो जा। वो तो गाती है, लेकिन बड़ा आश्चर्य, जब उसे नींद नहीं आ रही होती, वो बेचैन हो रही होती है, तो वो स्वयं भी गाती है, सो जा नैना सो जा। वो स्वयं भी गाने लग जाती है, सो जा नैना सो जा। क्या है ये? उसे पता है शरीर है, ये नैना शरीर है, मैं शरीर से अलग हूँ। देखने की बात है, आपके घर में भी बच्चे होंगे, देखना। वो कहेंगे, उनका जो नाम है वो नाम लेकर कहेंगे, डॉली को भूख लगी है, नैना को भूख लगी है, सोनू को खाना खाना है, वे कहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है वे शरीर अलग है, वे अलग हैं। वे गाएंगे, सो जा नैना सो जा, वे गाएंगे। उन्हें पता है शरीर को नींद की ज़रूरत है, चेतना अलग है, शरीर को सुलाएंगे, सो जा, तुझे ज़रूरत है तो सो जा बच्चा। इसीलिए शायद जीसस ने कहा है, अगर आपको स्वर्ग में जाना है, यदि आपको परमात्मा से मिलना है, तो आपको बच्चों की भांति होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कोई तादात्म्य नहीं है शरीर से, विचारों से। आपकी चेतना अलग है, आप चेतना दूर रखते हैं उन विचारों से, उस शरीर से। हमारा ये तादात्म्य ही समस्या है, हमारे इस तादात्म्य ने ही दुख खड़े कर रखे हैं। अभी कुछ समय पहले मुझसे किसी ने पूछा, आपको ज्ञान कब हुआ, कब आपको ज्ञान हुआ? मैंने कहा, बड़ा अजीब सवाल है, सवाल करना चाहिए आपको अज्ञान कब हुआ, ज्ञान में तो आप सब होते ही हैं, ज्ञान तो आपके पास होता ही है, अज्ञान को ओढ़ लेते हैं। स्वभाव आपका ज्ञान ही है, आपने अज्ञान को ओढ़ा है। मैंने कहा, आप पूछते हैं आपको ज्ञान कब हुआ, मैंने कहा ज्ञान का पता नहीं, पर मुझे अज्ञान कभी हुआ ही नहीं, कभी होने ही नहीं दिया गया। होता अज्ञान है, ज्ञान में आप होते हैं। तो क्या प्रयास, क्या खूंटी खोलना, क्या शरीर से तादात्म्य अलग करना, विचारों से तादात्म्य अलग करना, क्या कठिन है? कोई समस्या नहीं है, आप थे, आपका स्वभाव था वैसा, भूल गए हैं, धूल चढ़ गई है आंखों पे, चश्मा लगा है, जरा मस लो और देखो, क्या कहीं अज्ञान था, धूल थी। एक स्नान तो करो, एक ताजा स्नान तो करो, वो धूल हट जाएगी और ताजगी आ जाएगी। ये तो चढ़ा रखी है, लोग कहते हैं इस उम्र में ज्ञान हुआ, तो उनसे आप ज़रूर पूछें अज्ञान किस उम्र में हुआ, क्योंकि जब ज्ञान हुआ उन्हें 16 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में, तो ज़रूर कभी अज्ञान भी हुआ होगा, तभी तो ज्ञान हुआ। ज्ञान में तो आप हैं ही,
ज्ञान तो आपको मिला ही हुआ है। तो ज्ञान किस उम्र में हुआ, सवाल ये नहीं है। जो लोग मुझसे पूछते हैं ज्ञान किस उम्र में हुआ, तो मैं आपको बता दूं, मुझे अज्ञान होने ही नहीं दिया गया। जब अज्ञान होने ही नहीं दिया गया तो ज्ञान ही था। जब आप शिशुओं को पालते हैं, छोटे बच्चों को पालते हैं, तो उन्हें इसी तरह पालें, आने वाली भावी पीढ़ी को ऐसा ही बनाएं कि उनका तादात्म्य उनके शरीरों से, उनके विचारों से न रहे। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं कि आप उसे ऐसा रट्टा सिखा दें कि ऐसा ही बोलना, कभी भी समोसा खाना हो, बड़े हो जाओ कहना ऐसा बोलो, शिल्पी को समोसा खाना है, बड़ा अजीब लगेगा। बोलने की ज़रूरत नहीं, आप कह सकते हैं मुझे समोसा खाना है, मुझे भूख लगी है। लेकिन जो ज्ञान आप में था वो ज्ञान बरकरार रहे, बोलने से ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ज्ञान बस बना रहे। मैं आपसे कहता हूँ आप ज्ञान में ही थे, अज्ञान कभी हुआ ही नहीं। अज्ञान तो आपने ओढ़ लिया है, आपने बनाया है, अज्ञान होता ही नहीं। अगर आप ओढ़ते नहीं, चश्मा नहीं लगाते, आप ज्ञान में ही रहते। बड़ा उल्टा जान पड़ता है, बड़ा उल्टा उल्टा मालूम होता है। अभी तक तो आप सब ये सुनते थे आपको ज्ञान हो जाएगा, आपको ज्ञान हो जाएगा, आज बड़ी उल्टी बात मालूम पड़ती है। लेकिन उल्टी ही है, सारी चीज़ें उल्टी ही हैं। जिसे आप सीधा सोचते हैं इस संसार में, आध्यात्म में, वो ज़्यादातर विपरीत ही हो जाती है। आपने कभी देखा हो, कभी किताबें पढ़ी हो, तो ज़्यादातर सागर समुद्र को परमात्मा माना जाता है। बाहर संसार है और समुद्र परमात्मा है। जरा झांक कर देखो इस सागर के अंदर, आप वहाँ उल्टे खड़े दिखाई देंगे, सर के बल ठीक ही जोड़ा है किसी ने सागर से, ठीक ही जोड़ा है किसी ने सागर से। जब मछली अंदर होती है सागर के और वो बाहर किसी को देखती है, तो सोचती होगी उल्टा खड़ा है। लेकिन जैसे ही मछली सागर से कूद कर बाहर छलांग लगाती है तो लगता है नहीं। तो जब तक आप सागर में हैं तब तक संसार थोड़ा उल्टा मालूम पड़ता है। जैसे ही आप सागर में फिर मिलते हैं, सब सीधा हो जाता है।